अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने कहा कहीं निकला जाए थोड़ा दूर, तो आज हम जा रहे हैं टुडियाल। मेरे साथ अभी मुझे लेने आए हैं अपना साथ कुरेशी साहब। हम जा रहे हैं टुडियाल, तो रास्ते में स्नैन को लेना है। अस्सलाम वालेकुम। हम सफ़र की तरफ रवा दवा हैं। जुमा मुबारक, अल्लाह वसल्लम हमारे वाले मोहम्मद। जुमे का दिन है। मैंने साथ को कहा बाकी काम छोड़ो, मैं सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ता हूँ, मुझे जुमा तुमने लाजमी पढ़ाना है कहीं रास्ते में। ये अभी हम 0 पॉइंट पर पहुँच गए हैं, स्नैन को उठाने जा रहे हैं। तो आज का ब्लॉग इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। स्नैन साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम। टुडियाल आज हम जा रहे हैं टुडियाल। अभी कश्मीर की तैयारी है। कश्मीर की तैयारी, चलो जबरदस्त एक सरप्राइजिंग विजिट। अचानक अभी इसको आधा घंटा पहले मैंने बताया। सडन प्लान है, हम मंगला डैम से होके जाएंगे। मंगला डैम की बैक साइड से मंगला का भी विजिट करते हैं। उसपे सुन रहे थे कि पानी जो है इस दफा काफी लो है। अच्छा, लो है? जो नॉर्मल कंडीशन है उससे काफी लो है। ये क्या चक्कर है? देखते हैं इसको। ये चक्कर है कि पानी इस तरह उधर बारिशें कम हुई है। एक्चुअली ये हुआ है कि जो फ्लड्स होते हैं ना, फ्लैश फ्लड्स, इसकी वजह से सिलिटेशन हो जाती है। जो पत्थर वगैरह गिरते हैं ना, डैम भरता जा रहा है। अच्छा, इसकी वजह से जो उसका स्टोरेज थी ना, स्टोरेज कम हो गया। अच्छा, ये आ रहा है। तो नॉर्मली लोगों का ख्याल है कि फ्लड्स की वजह से डैम में पानी। फैजाबाद के करीब हम पहुँच गए। देख ले आने वाले कौन से लगते हैं। जुम्मे का टाइम हो गया, जुम्मा पढ़ के तो फिर हम आगे रवाना होते हैं। जुम्मा पढ़ लिए और अब हम अपनी सफर की तरफ रवा दवा हैं। इस एरिया का तो नहीं पता, बहरहाल कौन सा धान गली पहाड़ शुरू हो गया। पहाड़ बिल्कुल हमारे साथ साथ तकरीबन थोड़े से फासले पे है, जैसे बड़े आइडियल किस्म के और एक डिफरेंट पैटर्न है पहाड़ों का। हम पहाड़ तो देखते रहते हैं, गिलगित बल्तिस्तान के भी देखे, मरी नथिया गली। ये पहाड़ों का अलग स्टाइल है, ऊंची नीची जमीन में ना मिक्स हो रहा है गिली के साथ ना। ये बस एक मिक्सचर बन रहा है, उसमें फिर अजीब तरह के डिफरेंट पैटर्न है जमीन का। अभी पहुंच गए हैं अपना पीर, इनका पीर का क्या नाम है, जो शूफ वाली सरकार है उन पीर की तरफ, बिलावड़ा शरीफ के बाद। ये देखिए, ये पूरा कम्प्लेक्स है जिनका, बिलावड़ा शरीफ। काफी लोग आते हैं आज, जो है नहीं वरना ये कह रहा रोड पे जगह ही नहीं होती, इतना बड़ा कम्प्लेक्स बनाया हुआ है। लोग आके रहते हैं इधर या क्या चक्कर है? टुडियाल सिटी के आसपास घूम रहे हैं, घर चेक करें। चलो चलो चलो, इधर शहर से हट के इतने बंगले बड़े बड़े कि बंदा देखता ही रह जाता है। कंस्ट्रक्शन कहीं हो रही है, कहीं बन रहे हैं, हर तरफ बैंगलोज ही बैंगलोज, बड़े बड़े खाली पड़े हैं, बीच में बस एक बुड्ढा बुड्ढी पड़े होते हैं। कश्मीर के शहर में घूम रहे हैं। ये कौन सा चौक है? शहीद चौक। शहीद चौक, टुडियाल का शहीद चौक।
जो 10-15 मिनट। वो मंजर हमारी आंखों के सामने आ गया जिसके लिए हम आए थे। मैं ये सोच रहा था कि नीलम जेलम का जो दरिया है वो डैम से कहाँ पे टच होता है, तो ये वो जगह है, ये वाली, यहाँ पे डैम के अंदर पानी टच हो जाता है, स्टोरेज शुरू हो जाता है डैम का। ये बैक साइड पे हमारी ये उसका डैम का एरिया रोड के उस तरफ। ये जी आ रहा है इधर से हमारा जो दरिया है नीलम जेलम। ये डैम की ये जगह खासकर मुझे देखने का बड़ा शौक था कि ये डैम का पानी मंगला डैम में ऐड कैसे होता है। ये सामने अब ये डैम की दूध शुरू हो रही है। चले भी चले ये इधर ये जी हम बिल्कुल स्टार्ट पे। ये नीलम जेलम आ रहा है, पुराना पुल है, 8-10 साल पहले ये पुल बनाया पीर सैयद हमारे यूसुफ रजा गिलानी साहब सुल्तान वाले। ये देखिए ये पुल के ऊपर खड़े हैं, थोड़ा सा मैं आपको नीचे दिखाता, मैं खुद नहीं देखता। ये जिसकी दूसरी साइड से व्यू है ये स्टोरेज है इसका, मेन मंगला डैम का स्टोरेज। मतलब वो अपने बंदों को देता है पर वो उनको देता है जो मंथली बेसिस पे उसमें खर्चे निकल आते हैं। ये जब पाकिस्तान पार्टीशन से पहले ये घाट था, फिर नेक्स्ट स्टेप में ये घाट था, और फिर अब और नेक्स्ट स्टेप में ये घर बन गया। मतलब दो बंदे हैं इधर कश्मीर में डुडियाल में, तो घर इन्होंने मुकाबले में बड़े बड़े बनाने होते हैं।